हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर सिंगर। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाली हूँ जून मंथ्स में मेरे कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स एम्प्टी हुए हैं, और मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ साथ मेरे डेली एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये हिना है, तो इसे तो मैं वीक में 1 डेज या 2 डेज कभी कभी लगा लिया करती हूँ। तो यहाँ पर नूपुर हिना का 2 पैकेट है, और VLC से हिना का भी 2 पैकेट है। उसके बाद है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, फिर है पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र नन वाइली फ्रेश फील, ये वाला, और ये तो सेम है, ये बड़ा पैक है, ये उससे छोटा है। उसके बाद है पाराशूट और नारियल तेल, फिर है नवरत्न ऑयल, उसके बाद है पतंजलि का ऑरेंज एलोवेरा फेस वॉश विथ नीम एंड तुलसी फेस वॉश, फिर है एवर यूथ का स्क्रब, उसके बाद है पतंजलि का सौंदर्य फेस स्क्रब, फिर है यहाँ बोरोलिन का छोटा सा पैक, उसके बाद यहाँ पर है नायका का शीट मास्क, फिर यहाँ पर है एलिट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, फिर है गार्नियर का यहाँ पर विटामिन सी फेस वॉश। तो इन सभी के इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। वैसे मैं शॉर्ट में इन सभी के बारे में आपको बतला देना चाहूँगी। तो नायका का जो ये शीट मास्क है, इसे आप फेस पर लगा सकती हैं, और इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब एकदम सॉफ्ट बना देगा आपके फेस को। तो बोरोलिन का यूज़ मैं कभी कभी हाथों और पैरों में भी लगाने के लिए कर लेती हूँ, वैसे मैं इसका यूज़ अधिकतर लिप्स में लगाने के लिए करती हूँ। फिर है यहाँ पर पतंजलि सौंदर्य का फेस स्क्रब, तो ये मुल्तानी मिट्टी है। आप चाहें तो आप अगर जल्दबाजी में हैं, मुल्तानी मिट्टी जो आता है ढीला टाइप का, उसे अगर आप फुला कर नहीं लगा सकती हैं तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं। ये आपको घुला हुआ मिल जाएगा, मतलब क्रीम टाइप का रहता है, उसको आप फेस पर लगाइए और फिर आप धो लीजिए अपने फेस को। इसके रिव्यूज़ और इसके डेमो मैंने कैसे किए हैं वो मैंने अपलोड भी किए हैं अपने चैनल पर। उसके बाद यहाँ पर है एवर यूथ का फेस स्क्रब, तो ये भी अच्छा फेस स्क्रब है, और वॉलनट स्क्रब है ये। ये आपके ब्लैक हेड्स को, डेड स्किन को ये दूर करता है। उसके बाद यहाँ पर है पतंजलि का ऑरेंज एलोवेरा विथ नीम तुलसी फेस वॉश। तो पतंजलि का जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक हर्बल प्रोडक्ट के रूप में ही जाना जाता है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकती हैं। फिर यहाँ पर नवरत्न ऑयल है, तो नवरत्न ऑयल का यूज़ कभी कभी सिर में जब दर्द हो जाता है तब होता है। उसके बाद यहाँ पर पाराशूट नारियल तेल है, तो इसका यूज़ हमेशा होता है, जब भी बालों में तेल की मसाज की जाती है तो मैं इसका यूज़ डेफिनेटली करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, तो इसका यूज़ मैं हमेशा करती हूँ अपने फेस पर, मैं यही मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और ये या फिर ये मैं मंगवाती हूँ, अधिकतर मैं इसी मॉइस्चराइज़र का यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, और उसके बाद मैं इसका यूज़ करती हूँ। कभी इसे मंगा लेती हूँ, कभी इसे मंगवा लेती हूँ। उसके बाद नूपुर, गोदरेज नूपुर का हिना है जो कि 100% प्योर हिना है, और इसे इसके रिव्यूज़, इसके डेमो भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। फिर है VLCC का नेचुरल हर्बल हिना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपके बालों को स्ट्रॉन्गर, स्मूथर एंड शाइनर बनाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह में मुझे ये मिला था, तो ये 2 पैकेट इसमें देखिए चिपका हुआ है, इसे हमने हटाया नहीं है, तो 2 पैकेट मैंने एक ही बार ले लिया था। और दोस्तों, तो ये रहा मेरा जून 2023 का एम्प्टीज़ मेकअप एसेंशियल बोलिए या फिर डेली, यहाँ पर शेयर किया आप लोगों के साथ। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।